नमस्कार दोस्तों, गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में आप देख सकते हैं सामने बहुत बढ़िया आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और पीछे आपको काफ़ी चौड़ा रोड मिल जाता है। देखिए दो लाइन का रोड है, प्रॉपर सेक्टर वाला रोड है यहाँ का। अभी हम हैं इंदिरापुरम के अंदर जो गाज़ियाबाद की बहुत लग्जरी लोकेशन मानी जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर फ्लैट बिका हुआ है। सर वो पीछे बिल्डिंग किस चीज़ की बनी हुई है? ये मल्टी स्टोरी है। ओके, और वर्ल्ड रेजिडेंसी के नाम से इसकी सोसाइटी। वर्ल्ड रेजिडेंसी आप गूगल पर डालो, वर्ल्ड रेजिडेंसी इंदिरापुरम, आप एग्जैक्ट लोकेशन समझ जाओगे ये कहाँ पर है। रोड है जी, ये कौन सा रोड है जी? दोस्तों अभी आपको लोकेशन बता रहे हैं, जो फ्लोर अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसके आसपास के देखिए, इस तरह से बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। पीछे भी देख सकते हैं वो लंबा टावर बना हुआ है। कौन सा टावर है सर पीछे? वर्ल्ड रेजिडेंसी है जी। अच्छा जी, तो एग्जैक्ट ये लोकेशन जैसे शक्तिखंड 4 का ये हिंडन कैनल रोड है। शक्तिखंड 4 का हिंडन रोड जो पड़ता है इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर। तो देखिए इस तरह की लोकेशन आसपास की दोस्तों आपको मिलने वाली है। एक बार पहले फ्लैट देख लेते हैं। शक्तिखंड 4 कहाँ पर लोकेशन? ये शक्तिखंड 4 इंदिरापुरम है। अच्छा, शक्तिखंड 4 इंदिरापुरम, अमन प्लाजा है। अच्छा जी, ये अमन प्लाजा इसी का ना बिल्डिंग के सामने वाली? हाँ जी, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है अमन प्लाजा। इसमें आपको हर चीज की देखो सुविधा तो यहाँ पर, मार्केट बिल्कुल पास में ही है। यहाँ आपको ज्यादा चीज थोड़ा और आगे, और यहाँ पर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, सामने भी लगती है और इधर भी लगती है। पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं, आप यहाँ अपनी पार्किंग लगा सकते हैं, निजी आपकी पार्किंग है और आप सामने भी चाहे तो लगा सकते हैं। फ्लोर हमारा नीचे से एक बार दिखाएंगे, ये पहला वाला। हाँ जी, एक बार तो पूरी बिल्डिंग ऊपर तक दिखा दीजिए कैसी है, आसपास की बिल्डिंग दिखा दीजिए, क्या लोकेशन है यहाँ की, इधर की भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर का व्यू वगैरह किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि पैसे सर लोकेशन के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, जहाँ सुविधा मिलती है वहीं लोग ज़्यादा आते हैं। मतलब जितनी सुंदर लोकेशन, हर बार आपको बताता हूँ, चांदनी चौक में छोटी सी दुकान 1 करोड़ की है। बिल्कुल, अब दिल्ली से निकल जाओ 120 किलोमीटर दूर, 1 करोड़ में आप 20 बीघा जमीन खरीद सकते हैं। बिल्कुल, लोकेशन के पैसे होते हैं। एक बार अंदर जाके देखते हैं, बाकी सर साथ में सब कुछ हमें बता दें। आइए आइए। होती है हमारी एंट्री, आइए आप अंदर। तो सर 3 BHK है, मेन इसकी बात ये 3 BHK और 3 बेडरूम है और 2 बाथरूम है इसके अंदर। अच्छा, एक फेसिंग की तरह इसका हम घुसते हैं एंट्री, तो ये वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग है। पहले एक रूम देख लेते हैं सर, ये रूम जरा एक बार दिखाइए। आ जी, अंदर आ जी आप। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। वाह जी वाह, फॉल सीलिंग वगैरह इसमें चाहेंगे तो वॉलपेपर वगैरह लगा के देंगे आपको। और ये इसकी बैक यार्ड है। इस तरीके से बहुत बढ़िया जी, ये वॉशिंग एरिया कहलाता है। वाह जी वाह, और पीछे इसकी वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ है सर। पीछे वेंटिलेशन बना रखा है, इधर से पूरा कवर्ड है, किसी से मतलब नहीं है। पीछे से कवर्ड है, सिक्योरिटी पर्पस से कोई ऐसी दिक्कत नहीं, 1% भी एकदम मतलब ओके है, बिल्कुल हवादार है। आगे से भी हवा आप ले सकते हैं, पीछे से भी आप ले सकते हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये अलमारी है इसके साथ। ठीक है जी, इसके अलावा ये इसकी मॉडल किचन बनाई हुई है, चिमनी लगी हुई है इसके अंदर। बहुत बढ़िया जी, ये है जी। ये इसका सर दूसरा बेडरूम है, इधर वाला। ये इसका दूसरा बेडरूम है। ये साइज आप बेडरूम का देख लीजिएगा किसका कितना है। ये भी 10x12 का कमरा है ये। अच्छा जी, ओके। वॉशरूम इसके साथ अटैच है? हाँ, बाथरूम इसके साथ। अभी पहले कमरा देखा था उसमें अटैच, उसमें बाथरूम नहीं है, उसमें बाथरूम नहीं है। इसमें बाथरूम आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का आपको इसके अंदर बाथरूम देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है। अच्छा, वेंटिलेशन भी इसमें भी है और उसमें है, मैं इसको अलमारी समझ रहा था। ये वेंटिलेशन भी दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऊपर का लुक आपका इस तरह से है, ये अलमीरा मतलब एक अलमारी है इसके अंदर रखी हुई है, इधर उधर खिसका सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, इसी के अंदर फिटेड है लगभग। अच्छा जी, ये देख सकते हैं लाइटें सब लगी हुई है इसके अंदर। आपने ऊपर का भी इस तरह का, मतलब एक कमरा हो गया, दो कमरा हो गया, 3 BHK टोटली है। 3 BHK है, इसमें छोटा फ्रिज वगैरह रख सकते हैं या कुछ भी सामान वामान के लिए आपके लिए एक एरिया बना हुआ। ये इसका सेकंड और कॉमन वॉशरूम है जी। अच्छा जी, ये कॉमन और दूसरा वॉशरूम, दो वॉशरूम, 3 कमरे, 1 किचन प्लस पीछे ये थर्ड इसका बेडरूम है। वाह जी वाह, ये इसका मेन मास्टर बेडरूम। बहुत बढ़िया, जिस तरह से वॉलपेपर्स वगैरह लगे हुए हैं सब एकदम लाइट वाइट सब एकदम ओके है। ऊपर फॉल सीलिंग आप इसका देख सकते हैं, इधर भी इसमें अलमारी वगैरह सब दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। और ये बाद में आपका खुलता है जी बाहर का व्यू, ये एक बालकनी है। बहुत बढ़िया जी, पकड़िए जी, ये देखिए जी आप बाहर आ गए। अब हम वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ से अभी हम नीचे से खड़े होकर आपको ये लोकेशन दिखा रहे थे। आपके फ्लोर से बाहर निकलते ही ठीक सामने आपको दोस्तों ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिल जाता है। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसमें 3 फ्लोर। फर्स्ट का मतलब थोड़ा समझा रहा हूँ, कुछ लोग एक ग्राउंड पे बना होता है, एक फर्स्ट पे बना होता है, एक सेकंड पे बना होता है, और ग्राउंड फ्लोर अलग है, पार्किंग है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है।
ओके, यहाँ पर ग्राउंड प्लस टू ही पास होता है। 90 मीटर का मतलब हमारा एरिया 90 मीटर है। बिल्कुल बिल्कुल, 108 गज कहलाता है। 90 मीटर 108 गज, 108 गज। ओके जी, तो ये इंदिरापुरम जैसे ये पूरा अप्रूव्ड है सब कुछ? ये सब अप्रूव्ड कॉलोनी है। मेनली इंदिरापुरम आता है गाजियाबाद के अंदर? कोई फ्री होल्ड अप्रूव्ड कॉलोनी है, जीडीए से अप्रूव्ड कॉलोनी है। अच्छा जी, दिल्ली का बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? दिल्ली बॉर्डर अगर आप गाजीपुर बॉर्डर लगाते हैं तो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर का फर्क है। 4 किलोमीटर? हाँ, 4-5। ऐसी कौशाम्बी का भी जो बॉर्डर है वो भी 4-5 किलोमीटर के रेंज में। यहाँ मेट्रो स्टेशन है वैशाली का। ओके, वैशाली का मेट्रो स्टेशन लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से। ओके, और 1.5 किलोमीटर यहाँ से नोएडा का सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है। सेक्टर 62, दोनों ही मेट्रो स्टेशन पास पास ही है। मतलब इंदिरापुरम ऐसी लोकेशन है जो नोएडा और उसके बिल्कुल बीच में है, दिल्ली, दिल्ली आने वाले टाइम में। बल्कि ये जो रोड बराबर में निकल रही है यहाँ से मात्र 400-300 मीटर की दूरी पर यहीं से मेट्रो होकर निकल रही है जो कनेक्ट हो जाएगी मोहन नगर के लिए, नोएडा टू मोहन नगर के लिए। मोहननगर से सीधी, फिर वो मोहन वो सब से उसी से कनेक्ट हो जाएगी, वैशाली और सबसे। अच्छा, कनेक्ट हो जाएगी, फिर आपको वैशाली ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आप पकड़ लोगे। अच्छा, बाकी दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जो लोग नोएडा में रहते हैं या कभी इंदिरापुरम नहीं आए हैं, दिल्ली के उधर जाके रहते हैं द्वारका की तरफ, तो इंदिरापुरम ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, रियलिटी में है भी। आएंगे जब आप फील करेंगे, आप यहाँ किराए बड़े महंगे होते हैं भाई, 30,000-40,000-25,000। इसको भी अगर आप चाहोगे ना तो करीब 22-23 हज़ार रुपये किराए पे चढ़ जाएगा। 23,000 रुपये में किराए पर उठ जाएगा, 4 BHK का और महंगा उठ जाएगा। किराए तो यहाँ पर अच्छी है, तो रेंटल इनकम भी यहाँ बहुत अच्छी लोगों को मिलती है क्योंकि लोकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ आसपास मतलब किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? सभी हैं, ज़्यादातर तो हिंदू पंजाबी वगैरह सभी हैं। अच्छा जी, हाँ ऐसा नहीं है। ओके, इस फ्लोर का क्या हम डिमांड मान के चले? इसकी हम 75 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। ओके जी, क्योंकि जो आज की डेट में बिल्कुल नए फ्लोर बना रहे हैं वो सब 1 करोड़ से प्लस ही मांग रहे हैं। वो कितने मीटर बना आज की डेट में? यहाँ पर प्लॉट का रेट ही यहाँ पर 2.25 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया है। कितने मीटर का? 90 मीटर का, 108 गज का। ओके, लंबाई चौड़ाई कितनी मिलती है 90 मीटर में? लगभग 20x60 के आसपास लगभग रहता है, 50 के आसपास, 20x50 तक का। बाकी जानकारी सर के नंबर पर लेंगे, एक बार शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय सक्सेना है जी, और ये नंबर हमने स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप ही के हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, बाकी फिर हाँ मेरा ही नंबर आ रहा है जी। बाकी फिर भी कोई और चीज भी चाहिए होगी तो यहाँ पर हम लोग काफी चीजें बनाते हैं और बेचते रहते हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट हो कोई आप हमें बताइए। बाकी जानकारी के लिए सर के नंबर फोन करेंगे। सर एक बात और बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बताइए वीडियो? अरे नहीं नहीं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो काम हमारा भी नहीं चलेगा, इनका भी नहीं चलेगा, समझिए, और आप तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, तभी तो मजा आएगा।